आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे जो वर्क डन बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट फोर्स। एंड कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होती हुई, और कांस्टेंट का मतलब है कि मुस्तकिल रहना, जैसे एक दफ़ा प्लेयर की गई थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट वैसे ही रहना। और डेली लाइफ हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे फर्ज कर लीजिए कि एक ब्लॉक है, एक बॉडी है जिस पर आपने F1 फोर्स अप्लाइड की है। अब इसको पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस करने के लिए, और ये फर्ज कर लीजिए कि आप एक ऐसे सरफेस पे से डिस्प्लेस कर रहे हैं जो कहीं से नरम है और कहीं से सख्त, मतलब कहीं से स्ट्रेट है और कहीं पर उभरी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप जैसे कि मेरी डायग्राम भी कुछ इसी तरह की बनी है, मुझसे लाइन स्ट्रेट नहीं बन पाई, और जैसे कि आपने फोर्स F1 लगाई है तो इसे इस डिस्प्लेसमेंट तक कवर किया। फिर आप फर्ज कर लीजिए कि जो आपके पास जो ज़मीन है वो थोड़ी सी उभरी हुई आ गई है और आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाइड करना पड़ रही है, फिर ज़मीन थोड़ी सी सही हो जाती है, थोड़ी नरम आ जाती है, थोड़ी कम फोर्स अप्लाइड करनी पड़ती है, फिर उभार आ जाता है, फिर थोड़ी सख्त आ जाती है। इस तरह से करते करते आप F n फोर्स तक अप्लाइड कर देते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए। तो इस थ्रू आउट द जो प्रोसेस है आपको फोर्स कभी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, कभी कम लगानी पड़ रही है इसको पॉइंट ए से बी तक मूव कराने के लिए। सिमिलरली आप इसकी एग्जाम्पल डेली लाइफ से ये भी ले सकते हैं कि जो जितनी भी इलास्टिक बॉडीज होती हैं, जैसे कि आप कह लीजिए स्प्रिंग है, जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में मोस्टली स्प्रिंग को लेते हैं इलास्टिक बॉडी के लिए, एक स्प्रिंग है उसके साथ मैंने एक मैस एम लगा दी है, एक बॉडी अटैच्ड है। इसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये कि मैं इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दूँ बाय अप्लाइड सम फोर्स एफ, जैसे मैं इस पर अप्लाइड करती हूँ, इस पर लगाती हूँ तो ये जो है कंप्रेस करना शुरू कर जाता है, जिसका एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये इसकी एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका स्प्रिंग है, वो स्ट्रेच होना शुरू कर देता है अगर मैं फोर्स को जो है एक्सटेंड करना शुरू कर दूँ, फोर्स को जो मैं बढ़ाना शुरू कर दूँ, इस तरफ इसको स्ट्रेच करूँ, इस तरफ स्ट्रेच करना शुरू कर दूँ, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स के इक्वल है वो बिखरता चला जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना बिटवीन एफ एंड डी, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये शो करती है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डी के। अब ये क्यों हमने शो कराया, क्योंकि हम लोग जो है इसमें वर्क कर रहे हैं ना, बॉडी को खींचना या उसको दबाना एक किस्म का उसमें वर्क होता है, फोर्स अप्लाइड करके उसमें डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना, कभी ज़्यादा करना या कभी कम करना, तो ये वर्क होता है। फोर्स को कभी हम लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे दबाने के लिए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जाएगा, और अगर हम लोग फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं खींचने के लिए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरह की इसकी एक और एग्जांपल डेली लाइफ से मैं आपको देती हूँ कि मोशन ऑफ रॉकेट जो है, मोशन ऑफ रॉकेट इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि जो रॉकेट है उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रोसेस होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करके उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाया जाता है, ये फोर्स से मूव करता है, और जितनी तेज़ी से फोर्स से मूव करता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करता जाता है, उतनी जल्दी ये ऊपर चला जाता है, तो फोर्स इसमें भी चेंज हो रही होती है जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज करती जाती है, इसको जो है ऊपर तक बुलंदी तक जाने में मदद करती है। इसकी एक और एग्जांपल ये ले लीजिए कि फर्स्ट कीजिए कि हमारी जो कार होता है अक्सर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि या तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या फिर उसमें ब्रेकिंग प्रोसेस कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्रेक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, लेकिन गाड़ी चल नहीं पा रही। फर्स्ट कीजिए कि ये गाड़ी है ये पोजीशन ए पर, इसे यहाँ से लेकर मुझे पोजीशन बी पर जाना, डिस्प्लेस करना है फोर्स अप्लाई करके। अब मैं कभी गाड़ी पर फोर्स अप्लाई करती हूँ तो अक्सर देखा होगा गाड़ी एकदम थोड़ा सा मूव करती है लेकिन फिर रुक जाती है, फिर मुझे उस पर फोर्स लगानी पड़ती है, और वो थोड़ी सी फोर्स लगाने से एकदम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, फिर फोर्स लगानी पड़ती है, फिर थोड़ा कम कर दिया, कभी गाड़ी ज़्यादा फोर्स लगाने से डिस्प्लेस करती है, कभी थोड़ा सा ही लगाने से ज़्यादा कर जाती है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ फोर्सेस लगाने से गाड़ी का वर्क करना, ये वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आ जाता है। इस तरह की सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए जो वर्क है वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमारा वर्क बराबर है एफ डॉट डेल्टा डी के, या इसे हम लोग यूँ लिख लेते हैं एफ डेल्टा डी कॉस थीटा के इक्वल कर लेते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास बहुत से ग्राफ आते हैं, जैसे कि इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है एफ और डेल्टा डी में, और इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है कि ये बिल्कुल जैसे स्प्रिंग का सिस्टम है ना, स्प्रिंग की तरह बात करें तो इस तरह से सिचुएशन आ जाती है ग्राफ की।
अब इनमें से किसी एक ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि कैसे वर्क जो डन वर्क डन है बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए कि ये हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है जी। ये डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये आपकी फोर्स जो आपने अप्लाई किया अलोंग वाई एक्स के, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चीज़ जैसे कि स्प्रिंग की एग्जांपल है, ये आसानी से याद रहेगा, ये आपके पास एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इतने स्मॉल स्मॉल पैचेस में, इतने स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं कि हर स्मॉल पैच का जो ये का जो स्ट्रेट पाथ है ना, इस तरह से ही बन जाए कि इसको हम लोग बिल्कुल ना यूँ रेक्टेंगुलर की शेप बना दें, कि छोटी सी रेक्टेंगुलर लगे, बिल्कुल वो स्ट्रेट बना देना, उसका ऊपर वाला का जो हिस्सा ना बिल्कुल स्ट्रेट बना देना। जैसे कि इसको इस तरह से कर देना कि बिल्कुल ये भी सीधा आ गया, इसको इस तरह से बना देना, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर थोड़ा सा ऐसे बना देना, थोड़ा सा ऐसे, इस तरह की ना जो शेप आ रही होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरह से ना शेप आ रही होती है। यहाँ पे तो इसको ये नहीं कि एक दो पैचेस में ही आप डिवाइड करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पैचेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी ये रेक्टेंगुलर बनती जा रही है ना, इसी तरह मैं यूँ ला रही हूँ, और ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट बना रही हूँ, रेक्टेंगुलर सी बनती जा रही होती है। अब क्या होता है जी, इसको F1 फोर्स अप्लाइड करने से, F2 अप्लाइड करने से, या सो ऑन आप FN फोर्स तक अप्लाइड करते हैं, FN तक इसको जो है वो आप FN पैचेस तक इसको डिवाइड कर लेते हैं, और FN फोर्स आपको लगानी भी पड़ती है। पैच वन के लिए आपको F1, पैच वन का मतलब है कि पहले टुकड़े या पहले रेक्टेंगुलर के लिए आपको F1 फोर्स लगानी पड़ी डेल्टा डी तक डिस्प्लेस करने के लिए, F2 के लिए आपको डेल्टा D2। इसी तरह आप चलते जा रहे हैं, जब आप FN तक पहुँचे इस पार्ट तक, तो आपने डेल्टा DN तक डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है जी। अभी एक छोटे छोटे हिस्से का, इन छोटे छोटे हिस्सों का जो आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, वो आप कैसे करेंगे, वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपको WF1 पहले हिस्से का वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो इसको थोड़ा सा मैं अगर क्लियर करके आपको बना के दिखाऊँ थोड़ा सा इस तरह से कि मैं किसका वर्क डन फाइंड आउट करने जा रही हूँ। लेट्स सपोज कि पहला बैच था, इसका वर्क डन मैंने फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद दूसरा पैच है, इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा मैं ना यूँ बना देती ताकि आपको पता चल जाए कि मैं F1 और डेल्टा D1 की बात कर रही हूँ, जो कि ये वाला यहाँ पे बहुत छोटा बना हुआ ना, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब मैं अगर W1 का वर्क डन फाइंड आउट करती हूँ, तो मुझे F.Δd लिखना चाहिए, ठीक है। और इसे मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे F1 Δd1 cos थीटा 1 लिखना पड़ेगा। इसी तरह मैं अगर W2 वर्क डन फाइंड आउट करूँ इस हिस्से का, तो मुझे F2 Δd2 cos थीटा 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरह मैं करते करते n तक WN तक आ जाती हूँ, जहाँ पर मुझे FN फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है Δd N तक, और जो n वाले cos थीटा n हो गया। अब क्या होता है जी, ये तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया ना कि एक एक हिस्से का हम लोगों ने वर्क बताया, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि आप इसे छोटे से वे में, छोटे से फार्मूले से कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किस मैथमेटिकल फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, तो आप ये लिख दीजिए कि वर्क बराबर है समीशन, तो जानते हैं ना कि मैथ में मजमूए की इलामत होता है। समीशन लिखा कि हमने इन सब चीज़ों को जो है वो इकट्ठा किया इन सब चीज़ों को, और समीशन के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, जो कि हर चीज़ में बड़ा एफ भी है, डेल्टा डी भी है, कोस थीटा भी है, ठीक है जी। अब मैं एफ के नीचे फर्क कीजिए आई लिख रही हूँ, डेल्टा डी के नीचे भी आई और कोस थीटा के नीचे भी आई, और मैं कहती हूँ कि जो मेरा आई है ना, ये 1 से लेके एन तक कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर 1 आप लिख सकते हैं, तो ये आपको पहले पैच का जो है वर्क डन मिल जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो दूसरे हिस्से का, 3 लिखेंगे तो तीसरे टुकड़े या तीसरे रेक्टेंगुलर का आपको जो है वर्क डन मिल जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की सूरत में आप इसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो हमारा वर्क डन था जी बाय वेरिएबल फोर्स। अब बाय कॉन्स्टेंट फोर्स कैसे होते हैं, उसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, कांस्टेंट का मतलब है कि एक ही तरह की फोर्स अप्लाइड करने से क्या वर्क होगा। फर्स्ट कर लीजिए कि आपके पास ही एक ब्लॉक था, ठीक है, इसको आप एक 50 न्यूटन की फोर्स दे रहे हैं, इसको पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने कराया है, ये फर्स्ट कर लीजिए कि 100 मीटर है, आप इसे 100 मीटर तक लेके जा रहे हैं, और थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक आपने इसको डिस्प्लेस कराया है, एक ही तरह की फोर्स जो है आपने 50 न्यूटन ही अप्लाई की है, तो ये आपका कांस्टेंट फोर्स में आ जाता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए कि एक बकेट है,
ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, उस बकेट को एक इंसान उठा के लिए जा रहा है, और उसने इस बकेट पे जो है फर्स्ट कीजिए कि वो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और 100 न्यूटन फोर्स थ्रू ऑल द डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी सेम रहती है जब तक वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं जाता जहां तक उसने इसे लेके जाना है। फर्ज कीजिए कि उसने इसे जो है वो 50 मीटर तक लेके जाना है, तो 50 मीटर तक वो 100 न्यूटन ही फोर्स लगाता चले जाएगा, और उसे पॉइंट ए से बी जो कि 50 न्यूटन है वहां तक डिस्प्लेस कराएगा बाय 100 न्यूटन फोर्स। तो ठीक है, इसमें पानी भी भरा हुआ है बकेट में और वो उठा के लिए जा रहा है। तो आपने गौर किया होगा कि अक्सर डेली लाइफ में ऐसा होता है कि मजदूर लोग या कोई भी इंसान हो वो पानी भर के लिए जा रहा है, तो एक तरह की फोर्स अप्लाई करता जा रहा है चाहे उसे कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा हो। इसी एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको फर्स्ट कीजिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा है, अब क्या करेंगे आप? ग्राफ के लिए हम लोगों ने वेरिएबल में तो ग्राफ देख लिया कैसा होगा, अब हम लोग कॉन्स्टेंट के लिए ग्राफ देखते हैं कि कॉन्स्टेंट के लिए कैसा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट फर्ज कीजिए जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये आपकी फोर्स जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है जी, अब जो कांस्टेंट फोर्स होती है ना वो थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है, वो बिल्कुल नहीं चेंज होती, जैसे स्टार्ट में है एंड तक सेम रहती है। फर्स्ट कर लीजिए इस तरह का ये ग्राफ, और ग्राफ ऐसा ही होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे देती हूँ आपको कि फर्स्ट कीजिए आपने जो फोर्स अप्लाई की है इसे आप कह दीजिए आपने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, और आप गए हैं जी 100 मीटर तक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर 10 डिस्टेंस तक, 10 ये 0 पॉइंट हो गया इसकी 0 प्लेस, जब आप 10 मीटर पर थे तब भी जो फोर्स थी वो 50 न्यूटन ही थी। जब आप 20 मीटर तक पहुँचे हैं, डिस्प्लेस किया आपने 20 मीटर तक, तो भी जो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ी वो 50 न्यूटन ही रही। फिर जब आप लोग 30 मीटर तक आए हैं तब भी आपको सेम फोर्स ही अप्लाई करनी पड़ी। इसी तरह आप 100 मीटर तक चले जाते हैं तब भी आपको सेम फोर्स ही अप्लाई करनी पड़ती है जो कि 50 न्यूटन है। इसे ज़ीरो को मैं यहाँ से पॉइंट ए इसका नाम रख ले देती हूँ, और इसका ज़ीरो से मतलब ओ से ए, इसे मैं कह देती हूँ ये पॉइंट बी से जा रहा है सी तक। अब मुझे अगर इसका वर्क डन फाइंड आउट करना पड़े कि इस ग्राफ का मुझे बताइए कि वर्क कैसे है, तो आप क्या करेंगे जी? आप बताएंगे देखिए, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप लग रही है ना, मुस्तकिली सा इलाका, मतलब ये इस तरह की सिचुएशन लग रही है ना हम लोगों को। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम लोग बताते हैं कि अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होना तो वो एरिया अंडर द ग्राफ की इक्वल होती है। इसमें ओ ए जो कि हमारी फोर्स है मल्टीप्लाई बाय हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कि ओ बी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी के बराबर होता है, और कॉस थीटा भी आता है अगर हम लोग डॉट को हटा दें तो। इस तरह की सिचुएशन के लिए कॉस थीटा बिल्कुल जीरो होगा, कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो मैक्सिमम होता है, तो ये हमारा मैक्सिमम वर्क होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो हमारी जो फोर्स है ओ से लेके ए तक वो हमारी 50 न्यूटन है। ठीक है, और जो हमने डिस्प्लेस किया है पॉइंट ओ से लेके बी तक वो हमने किया है जी 100 मीटर। तो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन हमारा बराबर हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर, जिसे मैं 500 जूल लिख सकती हूँ, क्योंकि न्यूटन मीटर एक जूल के इक्वल होता है, और जो जूल है वो वर्क का यूनिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या है, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किस तरह से होता है। अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो तो उसमें फोर्स मुख्तलिफ होती जा रही है, कभी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रही है, फिर स्मूथ सरफेस आ जाती है, फिर थोड़ी कम लगानी पड़ती है, फिर जैसे ही ज़मीन हार्ड हो जाए तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ती है। इस सूरत में वर्क क्या होता है? जैसे कि आप स्प्रिंग की एग्जाम्पल हमने आपको दी, स्प्रिंग जो है वो वेरिएबल फोर्स की एग्जाम्पल में आ जाता है, इस तरह मोशन ऑफ रॉकेट आ जाता है। इसी तरह अगर गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए या ब्रेकिंग प्रोसेस उसका हो तो भी वेरिएबल फोर्स में आता है। और उसका वर्क डन आप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि छोटे 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 पैचेस में आप डिवाइड कर लेते हैं, और हर पैच का आप अलग अलग से वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर इसको सम अप कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना हो कि फोर्स सेम रहे और आप डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते जाएँ जहाँ तक आप जा रहे हैं, तो जो फोर्स है वो उस डिस्प्लेसमेंट में सेम रहे, तो इसे आप कॉन्स्टेंट फोर्स कहते हैं, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस तरह की सिचुएशन के लिए जो ग्राफ है वो एफ और डी के दरमियान होता है। डी को हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, और फोर्स को वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया, और एरिया अंडर द ग्राफ से हम लोगों ने इस चीज़ का वर्क डन फाइंड आउट कर लिया
इससे इसकी बहुत सी एग्जांपल होती हैं कि जैसे आप देखा होगा डेली लाइफ में कोई अगर बुक्स उठा के जा रहा है, कुछ उसके पास 2 KG समथिंग इस तरह की बुक्स हैं जिसे आप फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन में, और वो अपनी क्लासरूम से वो कैंटीन तक जाता उठा के। एक ही तरह की आपने देखा होगा फोर्स लग रही है और आप लोग कैंटीन तक जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोग बैग्स उठाए होते हैं डेली लाइफ में, आप लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी के, तो आपने देखा होगा एक ही तरह की फोर्स अप्लाइड हो रही होती है ना, और आप कभी बस में भी चढ़ते हैं उतरते हैं, पैदल चलकर भी घर तक आते हैं, तो एक ही तरह की फोर्स लग रही होती है आपकी। एक बैग में जितना वजन है उतना ही रहता है, और फोर्स जो है फोर्स उतनी ही रहती है, और आप डिस्प्लेस करते जाते हैं। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे होता है और वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स कैसे लिया जाता है।